देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। बहुत स्वागत है दोस्तों आपका भारत एट टाइम में। दर्शकों झूठ और सच, दर्शकों सच और झूठ एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते। दर्शकों सच का सामना सिर्फ सच कर सकता है। सच को देखकर झूठ अपने दरवाजे बंद कर देता है। सच का स्वागत सिर्फ सच कर सकता है और आज वही होने जा रहा है। आज पूरे मामले का सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखा जाएगा। दर्शकों हमारे इस कैंपेन अब सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग जुड़ चुके हैं और अब इस आंधी को रोकना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आज मेरे साथ सादत अली मुझको ज्वाइन कर रहे हैं और वो आज पूरे देश को खुलकर बताएं कि थप्पड़बाज प्रियदर्शनी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वो इसके पीछे का पूरा राजनीतिक कनेक्शन भी आपको बताएंगे। वो आज खुलकर बताएंगे कि उन्होंने इतने वक्त तक क्या क्या सहा। दर्शकों उससे पहले आपको पूरे दिल से आज शुक्रिया कहना चाहता हूं क्योंकि इस लड़ाई में जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया उसी वजह से आज मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि हम इस लड़ाई को जीतने वाले हैं। वी आर गोइंग टू विन। दर्शकों हमारी एक टीम ग्राउंड पर लखनऊ में सादत की हर तरह से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक टीम मदद कर रही है। पुलिस के पास जाना हो या कचहरी हो या तमाम अन्य जगह हो हमारी टीम मेरे रिपोर्टर मेरे कैमरामैन उनके साथ और आज सादत अली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सादत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। काबेंद्र चौहान बात कर रहा हूं मैं। जी सर बोलिए। जी सादत जी सबसे पहले तो आपको सलूट करना चाहूंगा उस बात के लिए कि उस रात आपने जो संयम दिखाया सादत जी उस रात जो आप पे पेशेंस दिखाया अगर आप पलट कर एक उंगली भी दिखा देते सादत जी तो मुद्दा क्या हो जाता। इससे आप भी भली भांति वाकिफ हैं और मैं भी। सादत जी। जी सर। सादत जी सबसे पहले तो मैंने आपका पूरी घटना के बाद एक वीडियो देखा था जिसमें आप बड़े दुखी लग रहे थे लेकिन सादत जी आज आपको मैं एक बात बता दूं कि आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और सादत जी एक और बात आपको बता दूं कि कानून में जो लूप होल्स हैं उसके खिलाफ जो पुरुषों की लड़ाई है उसके आप पोस्टर बॉय बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मेरी नहीं और पुरुष लोगों की भी लड़ाई है। जी जी सादत जी एक और चीज थी जी, मैं वो बातचीत नहीं करूंगा जो तमाम जो एंकर आपसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं कैसा क्या है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा काफी पर्सनल हो जाएगा लेकिन फिर भी सादत जी जब घटना हुई आप थाने गए थाने के बाद जब आप घर पहुंचे तो घर पर पत्नी भी होती है माँ भी होती है तो उनके सामने जब आप पहुंचे तो आपके मन में क्या चल रहा था कि कितना कठिन समय रहा था वो आपके लिए? जी सर मैं नजरें नहीं मिला पाया था। अच्छा। और सादत जी जब घटना के बाद उस रात बताया जा रहा है कि आप थाने पहुंचे तो आप थाने का क्या सीन था आप बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताइएगा कि थाने में क्या हुआ। आप पहुंचे आपने अपनी बात बताई कि क्या था वो भी अपनी बात रख रही थी आप भी अपनी बात रख रहे थे उस रात हुआ क्या था थाने की बात बताइएगा। सर थाने में ये हुआ था मैं जब थाने मुझे लेके गए मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और वो मैडम थी उनकी रिपोर्ट लिखी गई और मुझे 151 की धारा लगा के मुझे भेज दिया गया शांति भंग की धारा। और उसमें सर ये हुआ था कि मैं 1 बजे से मैं थाने पे बैठा था मैं बोल रहा था कि मेरी माता जी की तबीयत खराब है मुझे कॉल करा दिए हार्ट पेशेंट है मगर किसी ने मेरी बात नहीं कराई। मेरे भाई जो हैं इनायत अली और दाऊद अली 1 बजे पहुँचते हैं GPS के जरिए जो लोकेशन 9 बजे दिखा रहा था गाड़ी एक जगह से मूव नहीं हो रही है तो वो वैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जब पूछते हैं सात दिल कोई ड्राइवर है तो वहाँ पे पुलिस जो है दुरुपयोग करती है गालियाँ बकती है और कहती है तुम्हें ऐसी धारा लगाएंगे कि तुम्हें बंद कर दिया जाएगा तीनों भाइयों को ऐसी सजा मिलेगी तो वो छूट नहीं पाएंगे। सादत कोई तो पुलिस वाला वहां पर होगा ना जो आपकी बात भी सुनना चाहता होगा जो जानता होगा क्योंकि पुलिस वाले थे वो बोल भी रहे थे
कि इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है, मगर किसी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो समझ रहे थे, जान रहे थे, लेकिन फिर भी सर। अच्छा सादत, ये बताइए, आपने कभी सोचा था कि इतने करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे? क्योंकि सादत, मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों से लगातार मैं इस कैंपेन को चला रहा हूं और मैं एक चीज देख रहा हूं कि लाखों मैसेजेस आ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम सादत के साथ खड़े हैं, सादत को इंसाफ दिलाइए। लेकिन सादत, अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? सर, ये तो मुझे नहीं पता है, आज 19 दिन हो गए। बिल्कुल, अभी तक सिर्फ जांच चल रही है। और मैं ये कहता हूँ, ये चीज अगर मैं करा होता तो मैं तो समय जेल में होता सर। जांच चलती नहीं, मुझे बंद कर दिया जाता पहले। अच्छा सादत, इसमें आपका क्या एंगल है? देखिए सादत, क्या हुआ है कि पहले तो प्रियदर्शनी ये कहती रही जी कि उन्होंने मारा, बीच बचाव करने कोई आ गया, अगर बीच बचाव करने कोई ना आता तो वो आपको और मारते। जी, उन्हीं ने ये बोला था ना कि मतलब मैंने इनको कम मारा, मैं और मारती हूँ, घूसों से भी मारती हूँ। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका वर्जन और चेंज हुआ, फिर ये और कुछ बताने लगी कि आपके साथ तो उनके साथ तो 100 200 300 लोग थे, 30 मीटर तक मुझे घसीटा, मुझे मारा, निशान दिखा रही थी। सर झूठ बोल रही सब। अच्छा, अब उनका वर्जन जो है वो चेंज हो गया। तो शादत, अब वो कह रही है कि मैं इनके साथ सुलह करना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में। आप किस मूड में? सर देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जो लेडी मेरे पे हर तरह का ब्लेम कर रही है, मैंने सोचा था कि अगर आपने 22 तमाचे मुझे मारे थे, ये मीडिया पे आके कह देती कि मेरी गलती है, मगर ये अपनी गलती तो कोई मान ही रही नहीं है। मेरी कोई उनसे जाती दुश्मनी भी नहीं है सर। मैंने सोचा था, दिल में मेरे आया था कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, मगर अब मैं इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि ये किसी बीवी के भी नहीं बन सकती और किसी की बहन भी नहीं बन सकती है, क्योंकि इन्हें मेरे इतने ब्लेम करे हैं कि मैं 6 महीने से इनके पीछे जा रहा हूँ, फुटेज निकाली है और बहुत सी चीज़ें इन्हीं ने बोली हैं चैनल पे, मेरे दिल पे सर बहुत लगी हैं वो चीज़ें। आपने इस महिला को पहले कभी देखा था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देखा था, ये पहली बार घटना हुई है, मुझे खुद नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इस माइंडसेट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो आपको मार रही थी, आप क्या उस समय क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे उस समय आप? सर उस समय आपको मेरे ऐसा में कुछ, मेरी माता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं आपको ऐसा, सादत जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ये कौन है, कुछ तो आया होगा कि ये कहीं पुलिस तो नहीं है, सिविल ड्रेस में आ गया। जी मेरे मन में ये चल रहा था कि ये कोई पुलिस में है, इस वजह से मार रही है। मैं सॉरी सी बोल रहा था, मुझे माफ कर दिए, मगर इन्हीं ने कोई करा नहीं, इसीलिए मारती रही सर। और मेरा इन्हीं ने मोबाइल तोड़ दिया, मेरे डैशबोर्ड से इन्हीं ने पैसे ही निकाले, उस समय सीट बेल्ट पहने था, और जब इन्हीं ने मोबाइल तोड़ा तो मेरी गाड़ी का जो मोबाइल जहाँ लगा था स्टैंड से इन्हीं ने मेरा स्टैंड टूट गया था गाड़ी का। शादत, लाखों मैसेजेस आ रहे हैं, लाखों कमेंट भी आ रहे हैं, हर तरफ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपके पूरी तरह से साथ हैं। देखिए, आप तक वो सीधे तौर पर बातचीत नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन वो हमारे जरिए आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और बस सादत, अब एक चीज निकल कर आई है कि आपके घर में भी माँ बहन है, उसके घर में भी उनकी माँ हैं, बहनें हैं। सादत, जब एक महिला एक पुरुष पर इस तरीके से कानूनों का गलत इस्तेमाल करके आरोप लगाती है और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है। देखिए शादत, आप तो बहुत करीब से होकर बच गए, कई पुरुष ऐसे थे जो फंस गए और उन्होंने चार चार पांच पांच साल जुल्म झेले, चार चार पांच पांच साल उन्होंने कानून के जो केसेस थे उनको झेला, तो सादत आप तो छूकर वापस आ गए। तो ऐसी महिलाएं जिनकी वजह से आपके घर में भी महिलाएं हैं, हमारे घर में भी हैं, तो इन महिलाओं पर जो गुजरती है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो महिलाएं जो कानून का फायदा उठाकर गलत इस्तेमाल करती हैं इनका और पुरुषों पर जो केसेस लगाती हैं। सर इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज अगर मैं इनको माफ कर दूंगा तो इनकी क्या गारंटी है ये किसी और पे क्लेम विलेम ना करें, क्योंकि बहुत सी महिला ऐसी होती हैं कि आदमी लेडीज जा रहा है, हाथ लगा, उन्हीं ने फर्जी केस में फंसा दिया, दहेज के चक्कर में फंसा दिया। मतलब मैं सब महिला को नहीं कह रहा हूँ, 100 में 90% सही होती हैं और 10% खराब होती हैं। जी बिल्कुल। और शादत जी, आप इसी चीज के पोस्टर बॉय बन चुके हैं, लोग आपकी कहानी को लेकर ही तमाम अपनी अपनी कहानियां भी सुनाने लगे हैं। अब शादत, अगली चीज पर आऊंगा कि इस पूरी घटना के बाद
पुलिस की तरफ से अब जैसे जैसे जो अनफोल्ड होते जा रहे हैं, जो चीजें निकलकर सामने आती जा रही है, उसके बाद पुलिस अब आपकी तरफ उनका क्या रुख है? आपके पास आते हैं, बाकी तमाम और चीजें पूछ रहे हैं, आपको कुछ अपडेट दे रहे हैं कि क्या है गिरफ्तारी, क्यों नहीं हो पाई? अपडेट मुझे नहीं मिल रही उस चीज की, मुझे सिर्फ ये पता चलता है कि जांच चल रही है, जांच पकड़ा नहीं है। आपने ये पूछने की कोशिश की, देखिए हम जब बात कर रहे हैं तो वो हमको बता रहे हैं कि मुकदमा लिख चुका है, हम कोशिश कर रहे हैं, कभी हमसे कहते हैं कि हम घर गए थे पकड़ने, कभी कहते हैं मुकदमा लिखा होता तो चार्जशीट जाती, वो चार्जशीट अभी तक नहीं आई है। क्या पेच है, क्या छिपाया जा रहा है यादव? सर ये तो हमें नहीं मालूम सर, इसके बारे में कोई पॉलिटिकल एंगल लगता है आपको? हाँ हाँ सर, पॉलिटिकल एंगल ही सर लग रहा है कुछ। क्योंकि सर एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ तो इंसान को दबाया जाता है। शादत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन घटना के बाद से ही आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले शुरुआती वक्त में तो आपके पास लगातार पूछ रहे होंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या वजह थी, घटना के बारे में ही पूछते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि फोन आता होगा तो घटना के बारे में ही पूछते होंगे। चीजें कैसे बदल गई? मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूं कि एक पुरुष के जीवन में एक गलत आरोप कैसी चीजें, कैसी तब्दीलियां ला सकता है, तो चीजें कैसे बदली आपके लिए? सर मुझे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मैं बाहर निकलता हूँ, दस लोग खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं तुमने क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं करा, ये सब मैं होता मैं ये कर देता, मैं चुपचाप चलाता हूँ, इसलिए मैं अभी तक अपनी गाड़ी भी नहीं चला पा रहा हूँ। गाड़ी के मेरे शीशे टूटे हुए पूरे लेफ्ट साइड के मिरर। गाड़ी को तो बताया जा रहा है कि गाड़ी को सही करवाया गया है दूसरी तरफ से, कोई उसमें सर कोई सही नहीं हुई है। वो टेक्निकल मुआयने के लिए गई थी, वो दो दिन बाद मुझे गाड़ी मिल गई है, मेरे हैंडओवर हो गई है, वो भी उन्हीं ने जब हैंडओवर करी तो मालिक गए थे असदुल्ला खान, उसके बाद जब उस समय जब मैं गाड़ी थी वो मेरे हैंड पे कर दी थी, क्योंकि उन्हीं ने हमसे पैसे भी लिए और वो कह रहे थे कि मैं 25,000 का चलान काट दूंगा वरना तुम्हें कचहरी छुटानी पड़ेगी। तो फिर मैंने सब दोस्तों को बुला के पैसे का इंतजाम करा, कैसे कैसे करके फिर पैसे दिए, फिर गाड़ी छुटाई। अच्छा, आपने कहा नहीं कि ये जो तोड़फोड़ की गई है मेरी गाड़ी में इसका हर्जाना कौन भरेगा इस पर? आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो जा रहे थे, आपको एक अचानक से एक अदृश्य सी चीज एकदम से अचानक से आपके सामने टूट पड़ती है, आपके साथ मारपीट की जाती है, आप तो मेरे क्यों? पे 151 की धारा भी तो लगाई है जी, शांति भंग की, और मैं 13 तारीख को गया भी था वहां पेशी पे। अब एक नई टैक्टिक सामने आ गई है सादत जी, सादत जी प्रियदर्शनी के घर कल हमारी टीम पहुंची, हालांकि उन्होंने हमसे बिल्कुल बातचीत से मना कर रखा है, हमसे बातचीत वो करना ही नहीं चाहती पहले दिन से ही। तो अब जब कल हमारी टीम पहुंचती है तो वो कह रही हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप प्लीज हमारे पीछे मत पड़िए, आपकी वजह से और सादत की वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो ये कह रही है। सर वो झूठ बोल रही है, आपने देखा मुझे कैसे मार रही थी, 22 तमाचे मारे और उसके बाद बोलने लगी मैं घूसा भी मारती। अब वो ये कह रही है कि जी, अब उनका ये कहना है कि उनकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप न्यूज पे देख रहे हैं हर तरह के बयान बोल रही है, उसके बाद अब कह रही मानसिक स्थिति नहीं सही है। आप तो वो कह रही है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए सादत? तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या बचना है क्या? सर ये तो पुलिस का ही काम है। 19 दिन पहले 7 दिन कोई वर्जन, 7 दिन फिर कुछ और वर्जन, अब कह रही है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस लेट क्यों कर रही है, ये सवाल है सादत। सर इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, ये पुलिस से पूछा जाएगा। पुलिस में सादत मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल एंगल पर नहीं आना चाहता था, लेकिन बार बार कई लोग, उनको थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए चीज क्लियर कर दी जाए, बार बार कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं छिप कर दबी जुबान के साथ कि सादत और प्रियदर्शनी का जो मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है। अब योगी जी जो हैं वो आप वहां तक पहुंच गया मुद्दा कि जस्ट बिकॉज सादत इज अ मुस्लिम इसलिए इस केस में अपडेट नहीं हो पा रही है अच्छी तरह से चीजें। जी जी वही मतलब आपको भी लगता है सर? जी मुझे अब लग रहा है क्योंकि मेरा केस तो दबाया जा रहा है सर, आज 19 दिन हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और यही चीज मैं करता तो मुझे तो जेल भेज देते, जांच भी नहीं होती ये चीज की। नहीं सादत देखिए, पॉलिटिकल चीजें तब तक दब सकती है जब तक, अब पूरे देश में ये कैंपेन सा हो गया है, तो अब जब ये सब चीजें हो रही है तो कोई बड़ी चीज हो सकती है इसके पीछे। आपको किसी चीज की कोई, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज है शायद, हल्का सा भी एक हिंट क्लू कहीं से आपको मिला हो?
जी जी। कोई बड़े नेता, कोई मंत्री, किसी का कुछ है आपको लगता है इसमें? नहीं, हमें इसके बारे में पता नहीं, मगर ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि सरकार की तरफ से इनको शरण दी जा रही है। जी जी जी। अच्छा, बाकी शादत जी, आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलवा दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या लगता है, उम्मीद है वापस आ पाएगी? सर अभी तो मुझको लग रहा नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आएगी, क्योंकि अभी तक लेडी को पकड़ा ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा सादत जी, समाज को आपने मोमेंट के लिए बड़ी करीब से जाकर देख लिया है, क्योंकि आपने उस हिस्से को जिया है जिससे कई लोग नहीं जी पाए। एक दिन आपकी जिंदगी कुछ और थी, रातों रात आपकी जिंदगी कुछ और हो गई। आप समाज के उस हिस्से को भी छूकर लौटे, आपने उन चीजों को भी समझा है, देखा है, उस पर आप कुछ बताइए कि कैसे जिंदगी में चीजें एकदम से बदल जाती है। सर ये चीज तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इस तरह की हो जाएगी। मैं तो एक ओला ड्राइवर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। आपको तो लगता है कि विश्वास गरीब हो गया है कि सोशल मीडिया जो होता है उसमें बहुत ताकत होती है। आपको कभी ऐसा सोच सकते थे आप कि अगर ये सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचती, ये टीवी तक नहीं पहुंचती, ये चैनलों तक नहीं पहुंचता, तो कभी भी आपको इंसाफ का जरा भी आपको उम्मीद नहीं मिलता? सर मैं उस इंसान का शुक्रगुजार हूं जिसने ये वीडियो वायरल करा और जो तो सोशल मीडिया पे जो लेके आए, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सर। शादा जी, आपको लगता है कि आपसे पहले भी प्रियदर्शनी ने और लोगों पर भी इस तरह के कुछ हमले किए हुए सकते हैं, किए हों? सर नहीं, वो जब मैं वहाँ पे था तो बहुत से लोग बोल लेते कि इनका ये रोज का यही काम है, जनता के मुंह से मैंने ये सुना था। रोज का यही काम है? रोज का ही काम है। ये महिला जब इस तरीके की हरकतें करती आ रही थी काफी समय से, और अभी भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, अभी भी खुला छूटा छोड़ दिया गया है, तो ऐसे में खतरा बढ़ता नहीं है, कम कैसे होता है? जी जी। अगर ये आपके केस से भी बचकर निकल जाती है तो इससे तो और ज्यादा इंकरेजमेंट मिल जाएगा। हाँ तो सर, और भी जो लोग चल रहे उनके लिए बहुत खतरनाक है ये। जी बिल्कुल। सादत जी, जाते जाते एक चीज बता दीजिए जी, इट्स हर चॉइस वाला जो गैंग है, क्योंकि अब आपका जो मुद्दा है वो एक पर्टिकुलर कोई एक प्लेस का या पर्टिकुलरली आपका मुद्दा नहीं रह गया, आप जो है अब बहुत सारे लोगों की आवाज बन चुके हैं, उन पुरुषों की आवाज बन चुके हैं जिन पर फर्जी मुकदमे हुए हैं, उन पुरुषों की आप आवाज बन चुके हैं जो पुरुषों ने दंश झेले हैं, बहुत कुछ दोष झेले हैं, जिनकी गलती नहीं थी लेकिन उन्होंने सजा काटी है, अब वो आपकी आवाज जो है वो चाहते हैं। तो शारद जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये रहेगा अब कि जो इट्स हर चॉइस वाला जो गैंग है, जो महिलाओं का जो गैंग है, जो सूडो सेविनिज्म वाला जो गैंग है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर उस लेडी को सजा नहीं दी जाएगी तो फिर ये इनका हिबाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फेमिनिज्म की आड़ में आजकल फेमिनिज्म की आड़ में शादत क्या होने लगा है कि पुरुष पर जो हाथ चलाती है वो बहादुर है। हाँ जी सर। और पुरुष अगर हाथ चला देता पलटकर तो वो कायर भी है, वो दोषी भी है, वो क्रिमिनल माइंडेड भी है, वो पोटेंशियल रेपिस्ट भी है, वो मोलेस्टेशन भी कर रहा है, वो अत्याचार भी कर रहा है, वो छेड़छाड़ भी कर रहा है, लेकिन महिला ने हाथ उठाया है, 19 दिन हो गए, पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि क्या हुआ। सादत, आप छोड़ने वाले हैं या नहीं छोड़ने वाले हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, महिला के लिए पिंक बूथ बनाए गए और पुरुष के लिए भी बनाने चाहिए। पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों? इसलिए क्योंकि पुरुष का जो कानून और महिला का कानून सेम होना चाहिए। तो सादत जी, आप पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं? जी पुरुष आयोग की। जी जी। तो सादत जी, पुरुष आयोग की बात आप कर रहे हैं, आपने बहुत करीब से चीजों को देखा, समझा, उस मोमेंट में आप रहे जहां पर जिंदगी शायद नर्क से भी बदतर रही होगी। जी जी। अब आप उन चीजों से बाहर निकल आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके जैसे पुरुषों की वजह से कई चीजें हमारे देश में संभलती हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से ही हम अच्छा भविष्य अपने आगे आने वाली जनरेशन को दे पाते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही आज इस मुद्दे पर भी बातचीत होने लगी है। सादत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जी सर, थैंक यू सो मच। तो ये सादत अली मेरे साथ थे, जिनसे हमने तमाम बातें की। सादत ने आज हमको बताया कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ सहा है। उन्होंने आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में वो खुलासे जो अब कई लोगों
परेशान करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं कावेंद्र चौहान, मैं और मेरा चैनल इस कैंपेन को तब तक नहीं छोड़ने वाले कि जब तक हम अपने मुकाम तक ना पहुंच जाएं, जब तक पीड़ित सादत को इंसाफ ना मिल जाए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़े रहिएगा। कल भारत एट टाइम में फिर आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।